आपके साथ कौन है? नियम का पालन कर लेंगे, बागेश्वर धाम के नियम का पालन कर लेंगे। यू आपको ही पूछ रहे हैं, चतुर हो आदमी, इसलिए हम पूछ रहे हैं। पहले से आदेश आया है, कैसे तुम्हारी ना तो निष्ठा रहा था ना श्रद्धा रहा था, 2 महीना तुम सभा मानत, बाद में फिर सभा भूल जात। अबे बताओ तो पर्चा बना, ये नहीं तो बैठे रहो। हेलो बेटा, खूब खुश रहे, हमारा आशीर्वाद बालाजी को, बालाजी आशीर्वाद कृपा करें। नहीं ये करेंगे, हमें इन्हीं से करवाना है। झूठ मत बोलना, नहीं तो हम रगड़वा दे भी, हम उल्टे वाले भी हैं। आओ चतुरता हमें ना दिखाई, तुम घरे तो बहुत उपद्रव, यही से तो हमने कहिया है। मन में विचार है तो जब तो हमने तुम्हें पहले ही टोक दो, आबे के पहले हमारे भाई भाई में सबको भरो धरो के को का सोच रहा हो। हाँ आदमी होते सोचते थे भाई भाई खटर खटर बोल जात। हाँ अब कान पकड़ के आ जाओ, तो माफ करूँ हमने तुम्हें, आ जाओ तीनों को, माता जी और दोनों तो आती रहा। चलो बेटा आशीर्वाद, जो होगा पहले बोल दिया जाएगा। और फिर बात भी हकीकत है कि जब हनुमान जी को सब पता है तो बताने की क्या जरूरत है, वो तो अपने, लेकिन बताएंगे वही जो हमारे वाईफाई में सिग्नल आए, इसलिए इन्हें पहले बता दिया। पहली बार मिल रहे हैं ना आप, तो है ना, माइक लो ना। ये जो कहा ये तो मन में था ना आपके? बिल्कुल था। हाँ घर से ही था। हाँ घर से ही है, तो जब तो पहले ही हमने बोलो लेकिन आप करवे पड़े नहीं हम। बिल्कुल। कहाँ रहते हो? वैशाली नगर पास, 200 फुट बाईपास। जयपुर में ही? जयपुर में। अच्छा कुशल है, तो तुम जयपुर वासी हो? जी हाँ। हेमंत जी की वजह से आना हुआ है। अच्छा इन्होंने कहा कि कोई महाराज आए हैं खराब से? नहीं नहीं, वो आपके पधारे थे ना, वो दाम पे जब बता दिया था इन्होंने हमको पहले। बागेश्वर बालाजी महाराज की जय। जय बोलो सच्चे दरबार की जय। और यही विचित्र बात है बागेश्वर बालाजी की, ओड़ा चरैया पकड़ ले जात के जा कहाँ रही जा। हाँ अगर हाँ कड़िया हो बकरी में। अब पूछो का बब्बाजू से पूछना है। महाराज एक तो घर में सब शांति हो जाए। और काम धंधा बीच में रुक जाता है। नजदीक कर लो। काम धंधा बीच में रुक जाता है। काय को काम है? प्रॉपर्टी का है। ठीक है और कौन सी बात? और वो बच्चों का। तीन प्रश्न आए हैं आपके, हम पढ़ के बताते हैं। तबीयत खराब रहती, चेटक विद्या कारण व्यापार रुक गया, जिस कारण से तनाव में रहते, कमर में दर्द बनता है, धन की समस्या बनी हुई है, कृपा होगी तेज चलेंगे कार, आज से ही आशीर्वाद है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। हम आपको भभूति दे देते हैं, व्यापार आपका 4 माह बाद तेज गति से चलेगा, हनुमान जी कृपा करेंगे। मध्यम आपका 1.5 वर्ष से है, 2 विवादिक स्थितियां भी बनी हुई हैं, 2 विवादिक स्थितियां भी बनी हैं, विवादों के कारण भी आपका पैसा रुक गया, उसका भी तनाव है। ये प्रश्न भी आपने घर में अर्जी लगाई थी कि उसकी कृपा हो जाए तो कुछ अभी वर्तमान में आर्थिक तंगी दूर हो सकती, ऐसा अर्जी आपने घर पे डाली थी। ठीक है, बालकों पर कृपा होगी, पैर व कमर में दर्द बनता है, और आपको धोखा दिया गया है अपने ही व्यक्तियों द्वारा, जिसके साथ आप काम करते हैं उन्हीं के द्वारा धोखा दिया गया है, और विगत वो है 8 महीने से आपको घुमा रहे हैं। जी महाराज। ठीक है, ये प्रश्न है, इसका सॉल्यूशन आप प्राप्त करने आए थे कि उसके पीछे लगे कि कोई नया काम शुरू करें। जी महाराज। ये आपकी जिज्ञासा थी बालाजी के चरणों में, काम यही चलाना है, प्रॉपर्टी का ही करना है, बाद में बिल्डिंग्स वगैरह के काम को भी आपको प्राप्त होंगे। 2022 के 9 मार्च से विशेष उन्नति होगी, दोनों जगहों का विवाद आपका राजनीतिक षड्यंत्र द्वारा, राजनीतिक व्यवस्था द्वारा सुलझ जाएगा, आशीर्वाद है। महाराज छोटी बेटी की शादी भी अच्छी जगह हो जाए, थोड़ा उसका नेचर भी थोड़ा जी, छोटी बेटी की शादी बढ़िया जगह हो जाए। क्या नाम है उसका? गरिमा। पढ़ो, बेटी का विवाह हो जाएगा, क्रोध शांत रहेगा, चिंता ना करो, आशीर्वाद है। हमें पता हो तो तुम पूछो। और महाराज वो पर्चा पढ़ो, हम आए तो ना देखो, तबीयत खराब रहती है आपकी, पूरा पढ़ लो, जाना समझ में आया तो पूछ लो। सही है महाराज। हैं? बिल्कुल लबरो तो नहीं कह रहा है। नहीं बेटी वाला पढ़ लो। बेटी वाला पढ़ लिया। हाँ पढ़ लिया बेटी वाला। जाओ आशीर्वाद है, बच्ची को एक बार दर्शन करवा देना हनुमान जी। आ जाएंगे महाराज वो दोनों बहन भाई। अच्छा ठीक है, यहाँ तो एंट्री नहीं मिलेगी?
कल वो बाहरी से दर्शन हो गए। हाँ बाहरी से दर्शन होंगे। तो आज आपको पत्ता साफ है, जब भभूति तबियत की लाने आपको कवच देना है, वो आप ध्यान धाम पर ही करवाना, ये स्मरण में जो बालाजी ने आदेश दिया है, आपको कवच देना है लक्ष्मी कवच, वो धाम पर ही ध्यान करवाना और जमीनों का विवाद आपका सुलझेगा। आशीर्वाद। जय लेकिन फिर गांठ बांध लो नियम तुम यहाँ करने के, रात के तुम कछु और करो, पर दिन में जय सीताराम करो। समझ गए? हाँ नहीं तो हम मार लागू करना। हाँ आ जाइये भाई से, नहीं तो मार खड़ा हम लाल करवा देवी बागेश्वर वाले आए हम। हाँ जाओ उधार जो पैसा दे रखा आएगा कि नहीं। वाह जय जय आशीर्वाद, आ जाओ खुशी रहो। आओ ये भभूति है हनुमान जी, जय जय कर बाला, लगा नहीं है ऐसे, जाओ आशीर्वाद बागेश्वर बालाजी, जय जय करें खुश रहो। चापलूसी तो चल रही नहीं है ना। हो बोलो सच्चे दरबारे की, बागेश्वर बालाजी दरबारे की। अब बैठने नहीं है, चुक गए तुम, जाओ भैया कक्का और ना मौका मिले। इसके बाद श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, मन में सभी राम नाम का जप करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि आपकी अर्जी स्वीकार हो। आ जाओ जल्दी से, कहाँ से हैं, माइक लीजिए। हनुमानगढ़ जिले से जी। अच्छा यही जयपुर राजस्थान में पड़ता है। हाँ जी बोलिए, क्या प्रश्न है बालाजी के चरणों में? बालाजी के चरणों में सुख शांति चाहिए इसी घर में। कोई बात नहीं, शुभ समय 2021 के अंत से सुख शांति रहेगी, समय ठीक चलेगा, 2023 और 24 तक पूर्णतया परिवार में सामंजस्य होगा, विकास बन जाएगा, क्लेश शांत होगा, आशीर्वाद है। एक बच्चे की नौकरी का आज से हनुमान जी जय जय कर देंगे, दर्शन करवा देना और आपके बालक को नौकरी का व्यवस्था भी बनेगा, आशीर्वाद है। आपसे बात भी हुई थी मेरी ऑनलाइन वहाँ से। अच्छा आप जुड़े थे क्या? हाँ जी। अरे वाह, सत्यनारायण कथा के अंदर जुड़े। हाँ चलो सत्यनारायण पूरी सुनी? हाँ जी सुनी सर। अरे वाह बहुत बढ़िया सुनी। अच्छा हाँ। पचा गए तुम पूरी? ओ एकदम, बालाजी की कृपा है। वाह अब धाम पहुँचो, उनके दर्शन करो जिनकी कृपा से आप यहाँ आ पाए। खूब जय हो। 2 साल से पूरा जुड़ा हूँ। अच्छा 2 वर्ष से? 2 वर्ष आज मिल पाए? बहुत सुनता हूँ। अरे वाह वाह, आपकी तो मैं बस सुबह सुबह पूरा दर्शन करता हूँ उठते ही। अरे हम तो राक्षस हैं, इनके कर लिया करो। इनके भी करता हूँ, आपके बस हनुमान जी के साथ ही हो ना? नहीं नहीं हम तो उनके दासानुदास, तुम्हारे भी दास, लेकिन साथ तो इनके, उनके चरणों के आगे अर्जी लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल उनके चरणों में लगाते हैं और खूब जय जय रहे, खुश रहो। आप तो परम भगत हो हनुमान जी के, खूब कृपा बनी रहे और जल्दी से बालक की चिंता दूर हो जाए। जाओ आशीर्वाद, खूब जय जय रहे। एक मंत्र आजीवन बागेश्वर बालाजी से जुड़े रहो, खूब खुश रहो। जय। कई लोग ऐसे हैं जो 2-2 वर्ष बाद मिल पाते हैं, लेकिन हमारा भी मन होता पर ऐसी भीड़ भाड़ के कारण क्या बता मैं। खूब खुश रहो, चलो